हाँ रानी गायत्री, मैं और स्वर्णा प्यार के सच्चे रंग में बंध गए थे। राजकुमारी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ इस महल को छोड़ के जाना चाहती थी, पर किस्मत ने ना हमारे साथ एक खेल खेला और कुंवर जी की मौत हो गई। देखिए रानी गायत्री, इनकी जान को ना इस महल में खतरा है। मैं अब तक तो आपकी बात का मान रखकर बैठा था, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मैं आज ही इसी रात को इन्हें यहां से लेकर जा रहा हूं। नहीं लखन, आप मुझे इनकी इस हालत के बाद भी रोक रही हैं? स्वर्णा को इस हालत में देखने के बाद ही बोल रही हूं। इस वक्त उसे इलाज और आराम की जरूरत है, वरना उन्हें और उनके बच्चे दोनों की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन रानी गायत्री, अगर वो इस महल में रही ना तो कुंवर रानी जी ने मार डालेंगे। हमें कुछ ऐसा ही सोचना होगा जिससे स्वर्णा इस महल में भी रह सके और कुंवर चाची से दूर भी रह सके। युगांतरी बन के क्यों चल रही से चाची? राम जी ने दो दो बड़ी आंखें टाक रखी से उन्हें पल कर चला कर, और तू भी आंखों पर पट्टी बांध कर चल रही से सावित्री। चाची गांधारी से तो तू कुंती माया से कमना से। गायत्री, भैया एक जल्दी से तीखा मीठा गोलगप्पा बनाना, जल्दी दो ना। माँ, कितने भर का है सखन? गायत्री, मैं जानती थी तू गायत्री ही है। गायत्री रुक, तू बता बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे इस भेस में यहाँ रहना पड़ रहा है? बहुत लंबी कहानी है माँ, बस इतना समझ ले, अपने पति की रक्षा करने के लिए गायत्री ने सावित्री के रूप में एक नया जन्म लिया है। मैं इस महल में साजिशों की जड़ें बहुत गहरी हैं और दुश्मन मुझे और रानी जी को सिर्फ अलग नहीं, हम दोनों को जान से मार देना चाहते थे। मैं क्या बताऊंगा? हादसे के बाद से राणा जी अपनी याददाश्त खो बैठे। मैं सावित्री बनके कम से कम मैं राकेश्वरी पर नजर तो रख पा रही हूँ, राणा जी की सेवा तो कर पा रही हूँ, पर अब तक मुझे यह नहीं पता चला कि राकेश्वरी का साथी कौन है। सावित्री का सारा झूठ तो मैंने बोल दिया है, पर अब तक मुझे सिर्फ आधा ही सच पता चला है। माँ, पूरा सच जानने के लिए कोई नहीं जान सकता कि मैं जिंदा हूँ और इसी महल में रह रही हूँ। आप मुझसे वादा कर तो ये बात किसी को नहीं बताएगी। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना अब हम इस राजमहल में और नहीं रहेंगे। ये ख्याल ना आप अपने मन से निकाल दो, अब आप अकेली ही ना हो। उसी का तो डर है। चलो। हमारी बात सुनिए राजकुमारी जी, आपका एक साथी और भी तो है, और मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल भी बाका ना कर सके। कुंवर रानी जी की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने उन्हें संभाल लिया है। देखो जी, आप ना इसी महल में रहोगी,